लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, ये लॉ हमें कहता क्या है, कहता है कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। And the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। अब हम जरा इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें वो हमारे पास यूज कर रहा है वर्ड एक्टिव मास। ठीक है, एक्टिव मास हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है। एक्टिव मास, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव मास क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन सपोज करते हैं ए प्लस बी, इट विल गिव अस, इसको हम ऐसे सपोज करते हैं सी प्लस डी। हम बात करते हैं ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जो कि हमारे पास सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब बात ये है कि एक्टिव मास क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 ग्राम ए था, 50 ग्राम क्या था, बी था। अब इसमें से रिएक्ट कितना किया, सिर्फ 14 ने रिएक्ट किया। इसमें से कितने रिएक्ट किया, 14 ने रिएक्ट, यानी जितना मास रिएक्ट करेगा वो क्या होगा, एक्टिव मास। ठीक है, यानी कि वो सारा नहीं होगा, जो रिएक्ट करेगा वो क्या होगा, एक्टिव मास होगा। ठीक है, आपके बुक में लिखा है एक्टिव मास इज, एक्टिव मास इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन इट इज रिप्रेजेंटेड एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्टिव मास शो करना, उसे हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, कहते हैं द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। वो कहते हैं कि वो रेट जिससे एक सब्सटेंस क्या करती है, रिएक्ट करती है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके एक्टिव मासेस से। फिर हम सेकंड चीज वो क्या कहते हैं, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेज। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन के, रिएक्शन स्पीड से हो रहा है, स्लो हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, उसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज होती हैं ना, उनके प्रोडक्ट ऑफ, उनके एक्टिव मासेज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने पढ़ा दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, हम देखते हैं कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी इट विल गिव अस सी प्लस डी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, सी प्लस डी। अब ये क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया, अब हम सेकेंड चीज पे लॉ की तरफ आते हैं। वो हमें कहता है कि
हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या है रिवर्स रिएक्शन। वो कहता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मैं फॉर एग्जांपल फाइंड करना चाहता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैं ऐसे लिखता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसने हमें कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन है, ए और बी। वो कहता है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उसके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमारे पास आ गई रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, उसने कहा इसके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है, ये इसका एक्टिव मास का प्रोडक्ट आ गया, सही हो गया। ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। अब हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वल में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, सही हो गया। अब हम सेकंड चीज पे आते हैं, सेकंड हमने फाइंड करना, ये तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया, अब हमने क्या फाइंड करना, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सेम वही चीज़ फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन सी हैं रिवर्स रिएक्शन में, सी प्लस डी। अच्छा, ये सी प्लस डी हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। उसने हमें क्या, रिएक्टिंग सब्सटेंसेज के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के, एक्टिव मास हमने कहा जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाए वो क्या होता है एक्टिव मास, ये इनके एक्टिव मास का क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब जैसे हमने ऊपर प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में चेंज किया, यहाँ भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे, हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। ये हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास क्या आ गया डी, सही हो गया, समझ आ गई सारी यहाँ तक। अब हम सेकंड चलते हैं, अब उसने हमें क्या कहा कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, हमने पीछे पढ़ा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हम यहाँ पे कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सही हो गया। वो कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन के इक्वल लिख सकता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या वैल्यू है, के एफ एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को मैं कैसे लिखता हूँ, के आर एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी, सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक्टिव मासेज हैं ये एक साइड पे चले जाएं और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो एक साइड पे आ जाएं, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, के एफ डिवाइडेड बाय के आर और ये एक्टिव मास मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, सी इंटू डी ओवर मोलर एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, सही हो गया। अब ये मेरे पास जो दो कांस्टेंट हैं, मैं ऐसे करता हूँ इन दो कांस्टेंट के बजाय के एफ ओवर के आर के बजाय क्या लगाता ना, के सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया के सी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी, सही हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा कि सी और डी हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे देखा सी और डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना, सी और डी प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और ए और बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल हुआ, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या देता है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी अगर एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रही है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं, तो उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा एक्टिव मास हमारे पास क्या होता है। एक्टिव मास हमने बात की कि हमारे पास मोलो कॉन्सेंट्रेशन होती है, मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है, और हम इसको किसी भी चीज़ का एक्टिव मास को हमने एक्सप्लेन करना तो ऐसे ब्रैकेट में एक्सप्लेन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर हमने ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया, ए प्लस बी हमें क्या देता है, सी प्लस डी। हमने कहा कि हम इस हाफ को, हमारे पास इसमें ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। इसमें हमने देखा फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन हमारे पास होगा जिसमें प्रोडक्ट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास सी प्लस डी, ए ने हमें ए प्लस बी दे दिया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन। फिर हमने इस लॉ का सहारा लिया जिसने हमें कहा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करना हो तो वो उसके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड किया, वो किसके इक्वल हुआ, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थी फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो इन दोनों के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज किया और क्या लगा दिया, एक कॉन्स्टेंट लगा दिया। उसके बाद सी प्लस डी, हमारे पास ए प्लस बी दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल होता है, एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन है, सी प्लस डी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी प्लस डी, मतलब एक्टिव मासेज ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ डी। अब यहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज करेंगे, क्या लगाएंगे, एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू के एफ इंटू एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ बी, तो मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ ना। उसके बाद मेरे पास आ जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो किसके इक्वल होता है, के आर इंटू एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कॉन्स्टेंट है वो एक साइड पे आ जाए और एक्टिव मासेज एक साइड पे आ जाए। मैं के एफ को के एफ डिवाइडेड बाई के आर किया और यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी, और इसको हम इस साइड पे ले आए, एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। अब हमने देखा कि हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई, हमने ये देखा कि सी और डी हमारे पास क्या थे, प्रोडक्ट थे, हमने इसकी जगह एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लिया। फिर हमने देखा ए और बी हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट थे, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किसके इक्वल हुआ, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हमें रिलेशन बताता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का, एक्टिव मासेज ऑफ प्रोडक्ट का और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का। ठीक हो गया।